कॉपी। बाप दादाजी की तो सिर्फ यही दो फोटो मिली हैं जो उनकी शादी की पहली एनिवर्सरी पर खींची गई थी, और कुछ तो है ही नहीं। मैं देखती हूँ। यहाँ भी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हेम जी, अगर हम बाकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए तो। गोपी तुम परेशान मत, हम एक काम करते हैं, हम बा से पूछ लेते। नहीं हेम जी, ये तो बा के लिए सरप्राइज होना चाहिए ना। और वैसे भी कोई भी बा को ये नहीं बता रहा है कि वो बा के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा बा, हम तैयार होकर आते हैं। बा मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, तब तक आप भी तैयार हो जाइए और हम लोग आपको ले जाएंगे। और हाँ बा, जब तक हम तैयार होकर ना आए ना, तो आप इसी कमरे में रहना, बाहर मत निकलना। मतलब? मतलब मतलब सही समय बा, मतलब जब सत्संग का समय हो जाएगा तो हम दोनों भाई आकर आपको ले जाएंगे। गुड है तर गुड कॉकी, क्या कर रही हैं आप? मूव कीजिए मूव। जैसे मैंने हाथ फैलाने के लिए कहा था वैसे फैलाओ। ओके मुझसे नहीं होगा किरण जी। ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा। सुनो, तुम सिर्फ म्यूजिक को सुनो ही मत, उसे महसूस करो, फील करो, फिर देखना ये म्यूजिक तुम्हारे माइंड में तुम्हारी बॉडी में कैसे उतर आएगा, और फिर तुम डांस बहुत अच्छे से कर पाओगे। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं ये नृत्य नहीं कर पाऊंगी। इसकी आवाज कम कीजिए। जब तक आप लोग डांस नहीं करोगे वॉल्यूम म्यूजिक की बिल्कुल कम नहीं होगी। कैसा शोर है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इसकी आवाज कम कीजिए वरना बाहर आ जाएंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, डांस कीजिए, चलिए कोकिला डांस कीजिए। मूव 1 2 3 4। ये इतना जोर से संगीत कौन बजा रहा है? सो चाले छे घर में। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोकी तुम स्टेप्स पे बहुत ध्यान दे रही हो, सॉन्ग को एंजॉय करो, डांस करो। भाई लगभग 75 साल से इसी गली में हमारी दुकान चल रही है जो हमारे परदादा जी ने शुरू की थी। मतलब उन्होंने ये दुकान भी बेच दी? लेकिन ये रामलाल जी, मैंने सुना था वो तो अपनी दुकान बेचकर चले गए। तो फिर रामलाल जी का कुछ घर का पता कुछ होगा? हाँ एक मिनट, हेलो भाई, रामलाल जी का पता ठिकाना। अरे राशि, ये तो पिछली गली में ही है। शुक्रिया शुक्रिया भाई। वाह हेतल कोकिला तमे वेयो अने आ। हाय आई एम किरण।